से इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज ने संदस मुड़स कैप्टन रिटायर सफदर की सजाओं के काला दम कंदे खेनाजो करे छो केस में बरी थे बाद मरियम नवाज की नाहली पिण खत्म थी वही है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको आज सुरखरू किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवन फील्ड रेफरेंस में नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज और सनस मुड़स कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बरी कर छो। एवन फील्ड रेफरेंस में सजा खिलाफ लीगी नायब सदर मरियम नवाज की दरख्वास्त बुधनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर गयानी से बधल ब रुकनी बेंच कई। बुधनी दौरान नेब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी अदालत में कहो तो पहरें बुधाया हो तो नेल्सन और नेस्कोल कंपनियों कदें छयू कोई बुधाया तो जानल कंपनियन ये प्रॉपर्टीज कदें खरीद क्यों इन्हें इनकार कयो तो ये प्रॉपर्टीज 1994 का वटन आहिन। जस्टिस मोहसिन अख्तर रिमार्क्स दिना तो इन सजे केस में इन्हें समूरन जवाबदारन के तो कुछ चवणो ही न हो यो केस अवां के साबित करणो हो। जस्टिस आमिर फारूक रिमार्क्स दिना तो अवां जो केस शायद सही होजे पर अवां उनके साबित करण में नाकाम रहा आयो असा रुगो अवामी जान और कहीं बुधल बुधायल गालिन ते फैसलो नथा रही सकूं। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर न हुई इन करे मथस असासन वारो केस ठहे ही न थो। अदालत मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज और नेब प्रोसिक्यूटर जा दलील बुधन का पोए केस जो मुख्तसर फैसलो बुधाईंदे मरियम नवाज की 7 साल की सजा के कालादम करार दींदे खेस आजो करार दिनो। सजा कालादम थे बाद मरियम नवाज की नाहली भी खत्म थी वही हाँ हू चूंडन में भी हिस्सों वी सी वाजे रहे तो एहतसाब अदालत एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज के 7 साल और सनस मुड़स कैप्टन सफदर के 1 साल कैद की सजा बुधाई हुई। मरियम नवाज के डोह में सहकार के इल्ज़ाम हेठ सजा बुधाई वही जरह त सागे ही केस में नून लीग के कायद नवाज शरीफ के भी 10 साल कैद की सजा बुधायल है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको आज सुरखरू किया है।